Now we start chapter number 57, famous lives, dramatic ends. So let's do. Now read the clues and name the following. Now we start chapter number 57, famous lives, dramatic ends. So यहाँ हम उन personalities की बात करेंगे जो बहुत famous personalities थी, लेकिन उनकी जो life का end था वो बहुत ही ज़्यादा dramatic था. So read the clues and name the following. One of the most influential political and military leaders in history. इतिहास में एक बहुत influential मतलब प्रभावित कर देने वाली पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडर पर्सनालिटी हुए हैं एंड ही एस्टैब्लिश द वास्ट रोमन एम्पायर. उन्होंने बहुत बड़ा रोमन एम्पायर एस्टैब्लिश किया था, स्थापित किया था. बट पॉलिटिकल जेलसीज अमंग हिज ओपोनेंट्स, लेकिन जो पॉलिटिकल ईर्ष्याएं थी इनके ओपोनेंट्स के बीच में, विरोधियों के बीच में, उसी से इनका अंत हुआ था, असासिनेशन हुआ था. ही वॉज स्टैब्ड 23 times. इन्हें 23 times स्टैब किया गया था. स्टैब मतलब कोई चीज़ घोंपना, ओके, बाय 60 or more men, 60 या उससे ज़्यादा आदमियों के द्वारा. हु पार्टिसिपेटेड इन द असासिनेशन, जिन्होंने इस असासिनेशन में भाग लिया था. 60 या उससे भी ज़्यादा आदमियों ने इनके ऊपर वार किया था 23 बार, और इस पर्सनालिटी का नाम था जूलियस सीज़र, ओके. इन्होंने एक बहुत बड़ा रोमन एम्पायर स्टैब्लिश किया था. ये एक ग्रीक फिलोसोफर, लेफ्ट नो राइटिंग ऑफ हिज ओन. अ ग्रीक फिलोसोफर थे, ओके. ही वॉज फाउंड गिल्टी फॉर करप्टिंग द यूथ ऑफ एथेंस एंड सेंटेंस टू डेथ बाय मेकिंग हिम ड्रिंक अ माइस ऑफ द पॉइजनस हैमलॉक. सो इन्हें सजा सुनाई गई थी. ये गिल्टी प्रूफ कर दिए गए थे. किस लिए? एथेंस के युवाओं को करप्ट करने के लिए. और इन्हें मृत्यु दंड दिया गया था. किस लिए? बाय मेकिंग हिम ड्रिंक अ माइस ऑफ द पॉइजनस हैमलॉक. आफ्टर ड्रिंकिंग द पॉइजन, जहर पीने के बाद इन्होंने कहा डेथ इज द क्योर, मृत्यु इलाज है, एंड फ्रीडम ऑफ द सोल फ्रॉम द बॉडी, और इस शरीर से आत्मा की स्वतंत्रता है. ये इन्होंने कहा था ग्रीक में. और इनका नाम है सुकरात्स, ओके, सुकरात्स. क्लॉर्बिंग टुगेदर दे डिस्कवर्ड द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पोलोनियम एंड रेडियम. इन्होंने डिस्कवर किया था पोलोनियम एंड रेडियम, ओके, एक साथ मिलकर. द कपल वॉन अ नोबल प्राइज फॉर देयर एफर्ट्स. इस कपल ने अपने एफर्ट्स के लिए नोबल प्राइज भी जीता. द वाइफ हैड बीन एक्सपोज टू मैसिव डोजेस ऑफ रेडिएशन ड्यूरिंग हर करियर. एज अ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दिस, सो वाइफ हैड बीन एक्सपोज, वाइफ बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो गई थी मैसिव डोजेस ऑफ रेडिएशंस के, मतलब रेडिएशन की बहुत ज़्यादा डोजेस इनके अंदर, इनके करियर में इनके अंदर चली गई थी, ये एक्सपोज हो गई थी. एंड अ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दिस, और इन सब की कॉन्सिक्वेंसेस क्या रही, दैट शी डाइड. हर हस्बैंड डाइड आफ्टर बीइंग रन ओवर इन पेरिस बाय अ हॉर्स ड्रॉन कैरेज. और इनके हस्बैंड की मृत्यु हुई थी रन ओवर इन पेरिस बाय अ हॉर्स ड्रॉन कैरेज, ओके. सो ये थे मैरी और पियरे क्यूरी, राइट. आगे चलते हैं. नंबर 4 है द सुप्रीम रूलर ऑफ इजिप्ट. शी इज रिनोन फॉर हर रिलेशनशिप विद जूलियस सीजर एंड मार्क एंटोनी हुम शी मैरिड. सो ये सुप्रीम रूलर थी इजिप्ट की, और ये जानी जाती थी अपने रिलेशनशिप के लिए जो की थे जूलियस सीजर के साथ और मार्क एंटोनी के साथ, जिनके साथ इनकी शादी हुई थी.
Unwilling to be captured as a prisoner in Rome, she dressed herself in her royal finery and pressed a poisonous asp, a snake of cobra family, and died by snake bite. Unwilling to be captured as a prisoner in Rome. जब ये रोम में एक prisoner थी, okay? So तब भी ये अपनी royal finery में dress up थी और इन्होंने क्या किया था? एक poisonous asp, एक snake होता है ये cobra family का, उसे press कर दिया था और ये एक snake bite से मारी गई थी. इनका नाम है Cleopatra. Short while driving in a state motorcade, एक जुलूस के दौरान, एक राजे के काफिले के दौरान इन्हें गोली मार दी गई थी जॉन कैनेडी. Number 6, gunned down by her own bodyguards. इन्हीं के bodyguards के द्वारा इन्हें shoot कर दिया गया था और ये थी इंदिरा गांधी. Number 7, shot in a theater. एक theater में इन्हें मारा गया था while watching a play. एक प्ले देख रहे थे ये, ओके? तो प्ले देखते हुए इन्हें थिएटर में ही मारा गया था. अब्राहम लिंकन किल्ड बाय सेवेजेस ऑन एन आइलैंड बीच इन द पैसिफिक. पैसिफिक में एक आइलैंड बीच पर इन्हें जंगलियों द्वारा मार दिया गया था. कैप्टन जेम्स स्कॉट. सो बच्चों, आपको ये जो पर्सनालिटीज हैं जिनकी लाइफ बहुत फेमस भी थी लेकिन लाइफ का जो एंड था वो बहुत ड्रामेटिक भी था, इन्हें, इनके नेम आपको लर्न करने हैं अच्छे से, ओके? और इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश होता है. थैंक यू.